रामगढ़ के सिद्धो कान्हू मैदान में एक विशाल विजय संकल्प सभा का आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए की उम्मीदवार सुनीता चौधरी के समर्थन में जनता को संबोधित किया। सभा का आरंभ करते हुए जेपी नड्डा ने माछ नमस्तिका को नमन किया और आदिवासी भाइयों को जोहार के साथ स्वागत किया। आप सबको मेरा जय जोहार। आज जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो माछ नमस्तिका के प्रणाम करते हुए यहाँ पर उन्हें नमन करते हुए अपनी बात को मैं प्रारंभ करता हूँ। उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से भावनात्मक अपील की और हेमंत सोरेन सरकार को भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराया। और एक बात झारखंड के लोग ध्यान में रखें, पिछले 5 साल में झारखंड में हेमंत सोरेन ने क्या किया? 2 चीजें दी, एक नक्सलवाद और दूसरा बांग्लादेशी घुसपैठी। मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? जरा जोर से बोलो, पीछे से आवाज आनी चाहिए। मैं सच बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? बांग्लादेशी घुसपैठी बढ़े कि नहीं बढ़े? और इन्होंने हमारी आदिवासी बहनों के साथ विवाह रचा करके आदिवासी भूमि को हड़पने का प्रयास किया है कि नहीं किया है? हमने तय किया है सुनीता जी को चुनाव जिताओ, एक एक बांग्लादेशी को झारखंड से बाहर निकालेंगे और कानून ला करके कोई भी बांग्लादेशी का बच्चा पैदा होगा वो आदिवासी, उसका स्टेटस नहीं मिलेगा और आदिवासी की रक्षा की जाएगी। इस बात को हम ध्यान रखें, आदिवासी भाइयों के असल रक्षक हम हैं, इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। सभा में गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने भी हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने सिर्फ भ्रष्टाचार और ठग तंत्र को बढ़ावा दिया है। चंद्र प्रकाश चौधरी ने जनता से एनडीए की सरकार बनाने की अपील की ताकि राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और ठग तंत्र से छुटकारा पाया जा सके। वह कम से कम इसका खुलासा करना चाहिए। वह पैसा बाकी है तो कांग्रेस की सरकार बनने का, कांग्रेस के सरकार में था उस समय का पैसा बाकी है, उनको सपोर्ट करने लायक है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि जो रॉयल्टी का पैसा जो डीएमपी के माध्यम से जो आज पैसा हम लोग को मिल रहा है झारखंड में 7 जिला में। एनडीए की प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने अपने संबोधन में राज्य में डबल इंजन सरकार की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार झारखंड के साथ साथ रामगढ़ के विकास को तेजी देगी। सुनीता चौधरी ने बताया कि वे रामगढ़ को एक शिक्षा हब के रूप में विकसित करना चाहती हैं और इसके लिए महिला इंजीनियरिंग कॉलेज और एम्स की स्थापना की मांग उठाई। माननीय जेपी नड्डा जी से हम और रामगढ़ विधानसभा सहित रामगढ़ जिला के सभी देवतुल्य जनता की ओर से मांग करते हैं कि रामगढ़ के एक एम्स की स्थापना की जाए, जिससे रामगढ़ अपने नाम के अनुरूप अपने आप को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश को स्थापित कर सके। विजय संकल्प सभा में एनडीए ने अपने एजेंडे और विकास की योजनाओं को विस्तार से जनता के सामने रखा। जेपी नड्डा ने जनता से अपील की कि वे एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी को समर्थन दें ताकि राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त और विकासशील सरकार बन सके। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।